पर इन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया आपत्तिजनक जो है जी। तो इस तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल फाकुचंद न्यूज टीवी में। तो आज आपको बताएंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, मधुबन गाना या मधुबन सॉन्ग। गजब बेइज्जती है। जैसा कि इस गाने में राधा मैया का जिक्र किया गया है और इसका डांस इतना अश्लील है, इतना गंदा है। तो जैसा कि सबको पता है सनी लियोन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो आपने उनको सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। तो अब बात आती है इस गाने में उनके डांस की। तो जैसा कि उन्होंने इस गाने में डांस किया है इतना बेहुदा, इस गाने का विरोध अपने मंत्रियों ने भी किया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस गाने का विरोध किया है और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी इस गाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि समझे और संभले, विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा, 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोन और सारे गामा म्यूजिक को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल सनी लियोन का नया गाना मधुबन में राधिका नाचे पर धार्मिक संगठनों ने एतराज जताया है। शिकायत मिलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर 3 दिन में गाना YouTube से नहीं हटाया गया तो सनी लियोन और बाकी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी है जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी कृष्ण भगवान, राधा माँ ये हमारी भगवान ही है, अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं, ऐसा हमारे धर्म की आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती है। मैं सन्नी लियोनी जी से साकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें, विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा, 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। सनी लियोन का ये गाना 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है और अब तक 9 मिलियन से ज्यादा लोग यूट्यूब पर इसे देख चुके हैं। अब मंत्री जी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सनी लियोन को 3 दिन में गाना यूट्यूब से हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। तो इस गाने को सुनकर मथुरा के पुजारी हुए क्रोधित, उनको आया भयंकर गुस्सा, जिससे कि उन्होंने अपील की कि ये गाना जल्द से जल्द हटा दिया जाए। और सारेगामा.com ने भी यह निर्णय लिया है कि 3 दिन के अंदर इस गाने के बोल बदल दिए जाएंगे या तो ये गाना हटा दिया जाएगा। जैसा कि इस गाने के बाद भारी तादाद में जनता उभर कर सामने आ रही है, सनी लियोन के पुतले जलाए जा रहे हैं, जनता को इतना क्रोधित हो गई है जनता इतनी कि ना जाने क्या करेगी, अगर सनी लियोन मिली तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक बात और उभर के आ रही है, क्या सनी लियोन को इस गाने पर होगी जेल, क्या सारेगामा म्यूजिक कंपनी को उठानी पड़ेगी दिक्कत। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जहां इस गाने पर अत्यधिक हो रहा है विरोध, हो रहे हैं आंदोलन शुरू, आ रहे हैं लोग धरना पर। तो बने रहिए जब तक हमारे न्यूज चैनल फाकुचंद न्यूज टीवी के साथ, तब तक को आपको खबर देता रहेगा हमारा चैनल। चलो भाई देखो अपने क्या करता। तो हेलो दर्शकों, आज हम आए हैं बन्ना गांव में जो कि एक बहुत बड़ा गांव है, इसमें बहुत से लोग निवास करते हैं। तो आज हम मिलेंगे बजरंग दल के अध्यक्ष नेता से कि वो हमें बताएंगे कि इस गाने के बाद जनता कितनी हैरान है, परेशान है, क्रोधित है। उनसे आज हम सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे और आप सभी को बताएंगे। तो आइए मिलते हैं अध्यक्ष से, बजरंग दल के सदस्यों से। हेलो
आइए, हम देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं बजरंग दल के सदस्यों के घर पर। अब हम उनसे पूछेंगे कि इस गाने के बाद उनको कैसा लग रहा है, जनता कितनी क्रोधित है और आपके गांव में क्या हड़ताल मची है, क्या वगैरह वगैरह, उनसे सवाल जवाब करेंगे। आइए मिलते। अच्छा तो चलने तो अपन रैली निकाल ली उदय बमोरी गाँव है एक। अच्छा उदय पे हाँ चलने तो है अपन को। सो कितना फिर चलेगी जा बताओ फिर। कल की कह रहे थे भी तो भी कल अगर उनको हो जाए अगर तो फिर कल ही चलेगी अगर सब और आदमी आदमी ऐसे मतलब सब सम्मिलित हो जाए तो फिर चलेगी। और तो बात करने पर है अब तो फोन लगा सबके लाने पूछ लीजिए तो फिर फोन लगा ले तो फिर चलेगी। डाल ग्रुप में तो है अपने ग्रुप में डाल दीजिए सुनो रखो पता चल जाए। हाँ ग्रुप में तो जुड़े हैं हाँ ठीक है तो फिर उनसे बात कर लीजिए तुम और फिर हमें बताइए। ठीक है सो फिर हम बताएँ। ठीक है रैली की तो हो गई है बात सुबह तो अपन कर भी रैली हो है सुबह तो हुई है अपनी मगर जो नव गाना बनो है वे के मधुबन में राधिका नाचे ये गाना पे तो तनक वो अपन को हिंदुत्व बात आ गई है अपने हिंदुओं पे और हमें मतलब अपने जहाँ सब कांटेक्ट हैं उतने से हमारे फोन भी आ गए हैं कि अध्यक्ष साहब ऐसा ऐसी बात है जो गाना होगा जो ऐसे आ रहे हैं और अपने मथुरा वृंदावन में और जी सब जगह पे अपने तीर्थ स्थलों पे बड़ो विवाद चल रहा है पे होते हैं कि धर्मगुरु भी बातचीत कर रहे हैं पंडित जी हरे भी बातचीत कर रहे हैं कि जो गाना कैसा है उस पर विरोध जता रहा है अपनों अपनों इसे अपन को उस पर एक्शन ले वो बहुत ज़रूरी होगा हमें अपन को। ठीक है एक्शन ले भी अपन हाँ तो अपन को ये पे एक्शन लेना और तुम्हारा सब जने फोन लगाओ सुतना का अपन बातचीत कर रहे सवा बैठा रहा है पहले एक बैठक हुई है। ठीक है हाँ तो ये वो तो है हुज्जे से हुई यही सब तुम एक काम करो सब जनों को फोन लगाओ भाई और भाई बात करो उन्होंने सब एक सवा बैठा रहो आओ भाई बैठे सवा भाई आओ फोन लगा रहा भाई हाँ लगाओ तो फिर तुम ठीक है जो सब जरूरी होगा बहुत फोन लगा कि जा सबरे अपने हिंदुत्व बात आ गई है तो आई गई पहली बार तो बताओ ऐसे बताओ जी अश्लील मसलील डांस और जी सब बातचीत हैं और बस जमाने भर को जी बताओ ऊपर अपने डाल रहे हैं गाना जो गाना और जो एक्टर है वो मैं सबको बिल्कुल उनको मतलब करवाना पर है अपन तो जा बात अपन को मतलब बहुत गंभीरता से लेना पर है कहे कि अपने पूज्य ने भगवानों के ऊपर से ऐसे मतलब इनने करो है जो अनादर को परिचय दो हमने अपनी असभ्यता को सीखो अपन को निराकरण करने पर है जरूरी सो अपन को सबको ये में सहयोग प्रदान फुल एक्शन लेना है अपन को। ठीक है तो फिर तुम उन्हें फोन मोन लगा लियो ना रखो बुलवा तो अपन लगा ही ले भी न्यूज वाले को बुला ले भी ज्यादा भाई से हाँ तो न्यूज वाले हाँ जैसे हाँ न्यूज वाले को बुला लीजिए अपन और का। ठीक है तो फिर ठीक है हाँ भाई इकट्ठे बैठ गए अपन से बात कर ले हाँ सही कह रहे तुम जो ही करने पर है। जय श्री राम जय श्री राम आओ आओ बैठो और सुनाओ तो कहाँ से आए कहाँ से आए हम फाकु जननी टीवी चैनल की तरफ से आया हैं बस हम याद ही कर रहे थे बिल्कुल फोन लगवा रहे थे तुम आई गए चलो अच्छो करो तुमने आके तो जो गाना चल रहा है बहुत ज्यादा जो कुछ भी तो आप और रखो तो पता ही हुज्जे जो एक जो नव गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है जॉन मधुबन बहुत खराब गाना है और आप और एक ऊपर का चुएक्शन नहीं ले रहे तुम जो बात कर रहे हो वो पे हमारे अब चर्चा ही लगा कहे कि जो गाना पूरे अपने हिंदुओं के मतलब बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा रहा है जो गाना हिंदू तो पे वही तो है तो बंद करो अभी लाने का चुएक्शन लेने पड़े बंद ही कुछ यूट्यूब पे ऐसा गाना बंद ही करने पड़ो के नाने कुछ हो जाए करने तो पड़ा है दो तीन गांव में ऐसे प्रभाव पड़ा हुआ गाना को अरे दो तीन गांव हमको जाने कहाँ कहाँ अरे जहाँ जहाँ हम गए गली में से निकाल नहीं पाते वही गाना सुनो अच्छा नहीं लगा था यार काहे की बात अपने वो पे आ जाते हैं काहे की अपनो देश से आए इस मधुबन गाने को सारे गांव कारवा म्यूजिक ने लॉन्च किया है मतलब रिमेक्स किया है और उनको बोल दिए आप इसमें क्या कहना चाहते हैं
हाँ तो उन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है जैसे मधुबन में राधिका नाचे, नाचे जंगल में जैसे मोर, और सावरिया बीन बजा और मुझे नचा। राधिका माता जो हमारी माँ है उनके ऊपर इन्होंने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया आपत्तिजनक जो है जी। तो इस पर तो हम एक्शन लेंगे ही लेंगे। हमारे लिए विभिन्न राज्यों से फोन आ रहे हैं कि मतलब ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, तो इस पर तो एक्शन जरूरी लेना पड़ेगा। और जिला के अध्यक्ष हैं जो हम जी, तो हमको तो पहले ही पहले एक्शन उठाना पड़ेगा। जी जी आपकी बात सही है, मगर क्या सारिक जोशी अपने धर्म पर एक गाना बना सकते हैं ऐसा सॉन्ग? हमारा भारत देश एक महान देश है जो सबको इज्जत व पूर्वक सबको इज्जत मिलती है। जी जी ऐसे सॉन्ग बनाते हैं मुसलमान लोग। हाँ उनकी गलत बात है ना, गलत बात है, फुल एक्शन लेंगे हम लोग। भारत हमारा बहुत महान देश है, यहाँ पे ऐसे सॉन्ग गाना यूट्यूब से हटने पड़े कुछ हो जाए। हाँ वो 2-3 दिन के अंदर हट ही जाएगा। हाँ। आप लोगों का साथ रहेगा ना तो हट जाएगा। हाँ हमारा साथ पूरा रहेगा जी। हम लोग तो इस पर एक्शन बिल्कुल मजबूती से लेंगे जी। जो कि हमारे मंत्री जी हैं जो नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी इस पर बहुत नाराजगी जताई है। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा, 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे। ठीक है तो हम लोग इस पे कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे आप। ठीक है तो फिर मिलते हैं, एक्शन लेंगे हम लोग, फुल एक्शन तो लेंगे ही हम लोग, चलते हैं तो फिर। जो तो वारे पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है मोड़ी मोड़ो पे यार, ऐसी सब चीजें जीव रहे इन लोग पे कैसे प्रभाव पड़े और जीव रहे मतलब पढ़े ले। बेटा जे चीजें ने तो मैं सर्च करने आए कबाऊ उनने जे चीजें देखने आए स्कूल जाएगा बस को पढ़ाओ, स्कूल को जो सराहना दे रहे हैं वही करने अपन को। ठीक है जे चीजें हमने देख गौर अपने धर्म की आलोचना हो रही है यहीं पे, जो गाना पे हमारे विवाद वही चल रहा है हमारे जा रहे हैं। ठीक है कोई भी मिले मना कर दियो नहीं गाना चल जाए जो। पापा से कही सो मंगल और बेचारे में वो बंगाल की मारे तो मैं तुम्हारा मोड़ा
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no गजब बेइज्जती है। Thank you.